तो ये वीडियो डोमिनर 2017-18 के ओनर्स के लिए है जो मेरी तरह क्यूरियस हैं कि उनकी बाइक में यूजी के कौन से पार्ट लग सकते हैं कौन से नहीं। तो जो मैंने जो अपने लिए रिसर्च की हुई है वो आप लोग से अभी शेयर कर रहा हूँ। आप यूएसडी फोक्स लगवा सकते हैं जो लगभग 17,800 के हैं, बट इतना ध्यान दीजिए वो यूएसडी के साथ साथ आपको पूरा ब्रेक का सेटअप चेंज करना पड़ेगा। हमारे जो कैलिपर्स हैं ये एक्सल माउंटेड कैलिपर्स हैं और जो डोमिनर यूजी में आते हैं वो रेडियल वाले हैं। तो पूरा आपको सेटअप, और पहली बात ये राइट हैंड साइड पे है पूरा ब्रेक और वो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, तो पूरा आपको सेटअप भी चेंज करना पड़ेगा। खाली कैलिपर ही लगभग 3,500 का है। टर्न अराउंड करके व्हील यूज़ किया जा सकता है, व्हील नया ना भी लें तो, बट ये कैलिपर तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो लगभग आपका 22-23,000 के ऊपर का खर्चा है ये सिर्फ ये करने के लिए। प्रॉब्लम उतनी ही नहीं है, आपकी आगे से हैंडल की हाइट भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो हाइट देख रहे हैं यूजी में इतनी हाइट नहीं है, यूजी में लगभग इधर तक है और हमारे इतने लंबे हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली हैंडल की हाइट कम हो जाएगी। जिस बार का जो ये क्लैंप है, ये क्लैंप भी आपको यूजी का ही लेना पड़ेगा, तब जाके आपका फिट होगा। क्विक टिप, अगर आपको सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ रही है 2018 और 2017 में, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया टू चेंज दी फोक ऑयल एंड दी स्प्रिंग्स। मिरर लगाना एक्चुअली एसेंशियल है, जो यूजी के मिरर्स है काफ़ी स्टर्डी हैं और काफ़ी वेल बिल्ड हैं। मतलब पहली बार कोई OEM मैन्युफैक्चरर से इतना अच्छी क्वालिटी का मिरर मैंने कभी देखा है। तो बट इसके साथ लगाने के लिए आपको कुछ जुगाड़ है, ये क्लैंप्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो क्लैंप्स हैं ये ऐसे नहीं आते हैं, हमारे क्लैंप्स ऐसे वर्टिकल आते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल क्लैंप्स आपको सर्विस सेंटर में ही मिल जाएंगे। क्विक टिप, रिजर्वायर जो डोमिनर यूजी में है वो रेक्टेंगल शेप का है, क्योंकि ये जो गोल वाला शेप है इसमें सर्कुलर शेप में जो अंदर का रबर है काफ़ी टाइम नीचे दब जाता है, जिस वजह से प्रेशर काफ़ी कम बिल्ड होता है। तो ये चीज़ डोमिनर यूजी में करेक्ट की गई है, इसलिए उसमें रेक्टेंगुलर दिया है। ये अपग्रेड कर सकते हैं और एक्चुअली करना भी चाहिए, फिलहाल अभी स्टॉक में नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया है, जैसे अवेलेबल होता है मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। रियर सस्पेंशन जो है वो डायरेक्ट फिट है यूजी का 2018 और 2017 मॉडल में। टेक्निकली इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बजाज क्लेम करता है कि ये थोड़ा सॉफ्टर साइड पर ट्यून्ड है, बट मुझे प्रैक्टिकली ज़्यादा फर्क नहीं लगा। बट अगर आप चेंज कर ही रहे हैं तो इट वुड बी अ गुड आइडिया टू चेंज टू द न्यू वन। एग्जॉस्ट आपको वो यूजी का पूरा फुल सिस्टम लेना पड़ेगा इंक्लूडिंग पाइप, जो लगभग 21-22 हज़ार रुपये का है। एग्जॉस्ट में ये मफलर डायरेक्ट फिट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका जो एंगल है ये जो पाइप का और जो डायमीटर है वो थोड़ा पतला है ये वाला 2018 का, और यूजी का थोड़ा मोटा है और शेप भी सेम नहीं है, तो वो डायरेक्ट फिट नहीं हो पाता। तो ये दोनों कंसोल जो यूजी के हैं आप अपने गाड़ी में भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो 2018 वाले में नहीं मिलती है, और ये लगभग 20-22 हज़ार रुपये का खर्चा है। क्विक टिप, आपको इसके साथ साथ गियर शिफ्ट सेंसर लेना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर काम नहीं करेगा। तो काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी वेट करके मैंने ये डोमिनर का यूजी का साइड स्टैंड मंगाया लगभग 700 रुपये का, और ये पूरा टोटल वेस्ट है। ये डोमिनर 2018 में नहीं लगता। नहीं लगने का रीज़न जो है, जैसे आप देख रहे हैं इसका जो सेंसर की रॉड है, जो सेंसर को बंद करने वाला जो स्विच है वो पीछे दिया हुआ है और इसमें है साइड में। अब उसके लिए साइड स्टैंड जब बंद होता है तो सेंसर को ऑफ़ कर देता है, सेंसर ऑफ होता है तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, बिना सेंसर ऑफ हुए आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं। और ये जब तक बंद नहीं करेगा तब तक ये साइड स्टैंड कोई काम का नहीं है। अभी एक ही चीज़ बची है जो मैं कर सकता हूँ, दैट इज़ ये काट के सेम एंगल में इधर लगवाना, बट ये कास्टिंग का बना हुआ है और ये है स्टील का, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस भी है। ट्राई करूँगा, आप अगर हो पाया ये मॉडिफिकेशन तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा।